ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੌ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ अपने फ्रेंड के साथ तो मैंने कहा व्लॉगिंग भी शुरू कर लेते फिर काफी टाइम से की नहीं और आना ही है इस लाइन में घूमने भी जा रहा हूँ यादगार रह जाएगा तो मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। अभी मेरा बैग पैकिंग हो चुकी है मैं अभी जा रहा हूँ चंडीगढ़ वहाँ से रात को 8 बजे से जाऊँगा सीधा मनाली अपना बैग सब पैक है बाहर है रेडी है तो वहाँ से मैं ओला करके अब मैं जाऊँगा चंडीगढ़ चंडीगढ़ से जाऊँगा मनाली तो आपको बताता हूँ मैं वहाँ पहुँच के अच्छी ट्रिप होने वाली अलग अलग पार्ट्स में आएगा तो चलते हैं सीधा उधर ही। चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ आप इससे हाईवे से उतरे थे उनमें इतने से कोई पता नहीं है फर्स्ट टाइम में आया मैं मोहाली आया तो अब हम इधर डोमिनोज खाने आए पीछे ही हम यहाँ पर उतरे थे तो हमारी 8 बजे अब बस है तो इसके बाद हम जाएंगे 43 सेक्टर वहाँ से हमने बस पकड़नी है फिर वहाँ से हम जाएंगे सीधा मना आसमान ऑर्डर कर रहे हैं डोमिनोज आए हम देखते हैं कुछ करते हैं ऑर्डर फिर खाते हैं। तो गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है अब हम 43 सेक्टर जाएंगे वहाँ से बस पकड़ के वहाँ जाके दिखाते हैं अपने क्या करना है। ये हमने खाना खाया हाँ हमें खुद नहीं पता कि भी हमें क्या करना है यहाँ से हम पता नहीं कैसे जाएंगे 43 सेक्टर हम बस झोला लेके चल पड़े फकीर आदमी भी है तो चलो दिखाते हैं इतना देख लिए पहले बस। तो गाइस आप हम खा पी के उतरों निकल चुके हैं बाई चांस साडा खाना पीना तो जल्दी हो गया सी पर आप टाइम पास ही किया उत्थे आप हम इस टाइम चंडीगढ़ की सड़क से भटक रहे हैं पार्किंग में भटक रहे हैं अगे देखो की प्लान बनता आप बस फड़नी है फिर आप जाना अगर तो गाइस आप हम गोपाल स्वीट्स से आ चुके 15D सेक्टर से तो सामने साड़ी उत्थे बस हैगी इस टाइम असं इस मार्केट से खड़े हैं इधर कोई गोपाल स्वीट वही है हमें वहाँ आने के लिए कहा था तो अपन हम इधर बैग लेके खड़े हैं और हले कितना टाइम आया तो हूँ तद तक असं इधर ही किधर घूम ही जावे देख देख आगे शाम खाने लगे मसाला सारे अंदर वो सामान ले रहा खाने पीने का मैं भी अंदर जाके खाने पीने ये बाहर पड़ी रह गई थी तो उसको खाने यहाँ से वो भी अंदर ही पेमेंट करा और सामान आ जाएगा अभी वो बैग पूरा खाने में देना पड़ा था पता नहीं खाई जाने आप हले जाम खा दिया हम असं इसी मार्केट से खड़े हैं 10 बजे जाना सर तो वेट जहा नहीं हो रहा बोर हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा वो देखो चाहिए पता नहीं कौन है व्लॉगिंग देख रहे थे साड़ी तेरी हमको इंक्लूड मत कीजिए हम अलग है यहाँ आके लग रहा है हम गलत जगह से रह रहे इतनी देर में आप हम रुके हैं कोई ढाबे के रस्ते मैं दिखाना कि ढाबे से रुके मैं जगह भी नहीं पता सी हले कितने क्योंकि मैं पबजी खेल रहा सी अंदर बैठ के अपने फ्रेंड नूं फोन करता सी हमें भगतगढ़ फोर्ट के पास कहीं टी शर्ट जी है आप सारे मेरे को अंदर कंबल पिया बैग च मैं अंदर तक कड लूँगा अभी अब अंदर जाएंगे देखते अंदर कैसा है ब्लॉगर्स तो काफी अच्छा है
ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਆ ਬਿਠਾਇਆ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਆਰਡਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ ਜੋ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਅਰੇ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਬਾਹਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮਿਰਰ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਚ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਵਿਦ ਚੁਸਕੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਨਾਲੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 292 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 50 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਤਾਰੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਮੇਰੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪ ਬਾਜੂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਰੁਕਵਾਈ ਹੈ ਇਸਨੇ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਬੱਸ ਰੁਕਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਅਭੀ ਹਮਾਰੀ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਹੈ ਆਗੇ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ 5:30 ਚੱਲਣਗੇ ਵੀ 4 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੁਬਹ ਕੇ ਠੰਡ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਭੀ ਦੇਖਤੇ 5:30 ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਆਗੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਕਾ ਰਸਤਾ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਕਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਾ ਰਸਤਾ ਆਗੇ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਕਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ 7:30 8 ਵਜੇ ਲਾ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਡਸ ਆਫ ਯਾਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ 10-12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆ
चलो आगे थोड़ा पता नहीं जाना है कि नहीं, मैंने पता नहीं मनाली पहुंच गया देख दिया 40 किलोमीटर की हां 40 किलोमीटर हो रहा है अच्छा उसकी दिखता है और पागल है 40 किलोमीटर मैंने सपने हैं फाइनली गाइस वी आर इन मनाली। तो अभी हम पहुंचे हैं, रास्ते में काफी रुकना पड़ा कुछ कारण के कारण, तो अब हम पहुंचे इस टाइम पे और व्यू देखो गाइस ये उधर है ऊपर, ये इस होटल में हम रुक रहे हैं, ये इस पे आए थे हम। अभी दूसरी बस भी एक वो अभी आई नहीं है, तो आपको मैं थोड़ी देर में सब व्यू दिखाता हूँ, पहले रूम चेक इन करना किन्नी ठंड लग रही है। मैं दिल कर रहा स्प्रिंट मार के ये चला जा भज के और रहने डिग गए ना, तो आ गई दूसरी बस भी, सानू ठंड लग रही, पहले ऊपर कुछ पाइए, साडे बैग सारे ऊपर पे है तो असि रुक रहे हैं, साढ़े को एक्सपेरिमेंट ला के आना हूँ ही देख सारी गर्मी जो देखो सेव का पे सही है नंबर रूम है वो चेक करो किसी दिन हाल है। अरे यार बाद चो सिंगल रूम, तो उतो का व्यू देखो यार, इधर जाना सी, चलो देखा अगर जा पाने नहीं तो नेक्स्ट टाइम जरूर। इधर अपना रूम है तुम दिखा, ये रहा व्यू और ये रहा हमारा रूम। तो अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने थोड़ी देर में, आपको ये रेडी हो रहा हूँ, कपड़े पड़े यहाँ पर, वहाँ वॉशरूम मैंने ब्रश हो चुका हूँ, ये कपड़े पाते हैं फिर देखता हूँ फाइनल व्यू का। मैं अपने आप को नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं अभी इस लुक में हूँ यार, व्यू देखो यार गाइस। तो अब हम हो चुके हैं रेडी, ये देखो ये हो रहा है पागल सा, तो बाहर क्यों दिखा दो, वैसे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम जा रहे सीधा नीचे, ब्रेकफास्ट करने कॉल आया था कि ब्रेकफास्ट कर लो, देखते क्या बना है, मैं दिखाता हूँ आपको, चलो अब नीचे चलते सीधा कर दे चूज करके पा रहे बैठना किधर बैठना किधर है नाश्ता और वो खा के फिर देखते क्या करना है। अपना नाश्ता तो हो चुका है पूरा, तो हम बाहर आए थे फोटोशूट करने, थोड़ी बहुत भी फोटो खींची और इतना कम पोल्यूशन है जैसे लग रहा है हमने आँखों के मेगापिक्सल बढ़ गए आँखों के। डॉग देखो यार गाइस, अभी हम होटल में ही बैठे हैं, 12 बजे हैं दोपहर के, तो कहते 2-2.5 बजे तुम यहाँ पर, पास में मंदिर है मॉल रोड है, यहाँ की मनाली की मॉल रोड बड़ी मशहूर है, मैं आपको दिखाऊंगा उसका एक अलग पार्ट डाल दूंगा। तो मैं कुछ खाने लगा हूँ, तो मेरे को यार वहाँ पर लग रहा है कि शायद बर्फ़ पड़ रही है, बाकी कुछ नहीं कह सकते यार, बर्फ़ पड़ रही है कि नहीं पता नहीं। गाइस एक बात समझ नहीं आ रही, और ये जो मेरे बैग में सारे पैकेट पड़े थे ना, ये किसी ने सिगरेट फेंक दिया, अभी ये सारे पैकेट फूल गए, और मेरा बैग रात को तो बिल्कुल ठीक था, जब मैं सुबह यहाँ पहुँचा ठंड में तो सारा बैग फूल गया, फटने को आ गया, मगर क्या हो गया देखा तो सारे पैकेट फूल गए, ऊपर आया ना पहाड़ों की तरफ ठंड भी और इसलिए फूल गया, इसका मेरे को साइंस नहीं पता, मेरे को देखूँगा फिर बताता हूँ, सारे बिस्कुट लिखा के फूल गए। देखो भाई नज़ारे, अभी हम जाएंगे आगे फिर आपको दिखाता हूँ। हम पी रहे चाय साथ साथ, खत्म होगी वैसे, अब हम जा रहे हैं अब हदीम्बा मंदिर, दिखाता हूँ ये देखो। ब्लॉगिंग करते करते मेरे ना काम हो गया, मैं चल रहा था जा ना पर थोड़ा जा रहे आगे, उधर व्यू देखो यार।